हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सबको फ्रेंड्स, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं राखी के लिए गांव। तो हम लोगों का ट्रेन था दूसरे दिन 4 बजे का, तो हम घर से निकल गए थे 1 बजे। और ट्रेन भी आज बिल्कुल खाली है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, और अभी पता चलेगा आगे भर जाए तो। लेकिन आज मुझे मतलब खाली खाली ट्रेन लग रहा है। नहीं, पिछली बार हम आए थे तो बहुत भरा हुआ था, और बाबू के साथ का तो यहाँ पे कोई फ्रेंड ही नहीं मिला बाबू को, और बाबू अकेला खेल रहा है अभी। तो आगे पता चलेगा किसी स्टेशन से कोई बैठे तो, अभी तो बाबू को कोई नहीं मिला यहाँ से। फिर हम लोगों की ट्रेन भी चल दी, और अभी तो मतलब स्टार्ट ही हुई है तो धीमे धीमे चल रही है। तो ये है रेलवे स्टेशन, और अब की बार ट्रेन 4 बजे का है, नहीं कभी कभी 6 बजे का भी होता है, लेकिन अब की बार 4 बजे का है। ये भुजका रेलवे स्टेशन है, और अभी मतलब बनना है ना, तो मतलब दूसरा स्टेशन ऐसे ही है अभी। और दूसरा पहले हम लोग जाते थे ना, वो तो बनना था, फिर पता नहीं उसको क्यों तोड़ दिया, तो अब फिर दूसरे स्टेशन मतलब पास में ही है, वहाँ पर उतरते हैं अब। और फिर बच्चों को लग गया था भूख, और नमन घर से खाना ही नहीं खा के आया, बोला था मैं ट्रेन में ही खाना खाऊंगा, तो उसका वही था कि मैं ट्रेन में खाना खाऊंगा। फिर नमन को मैंने खाना दे दिया खाने के लिए, तो हम लोग भी खा लिए शाम की। शाम का टाइम भी अंधेरा हो गया है, एकदम मस्त लगता है ट्रेन से, बड़ा अच्छा व्यू आता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। और बाबू का इधर चल रहा है, गेम देख रहा है और चाय भी पी रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रेन वाला दूध ना वो पीता नहीं है, चाय तो थोड़ा बहुत पी भी लेता है, और दूध जो मिलता है पाउडर वाला उसको नहीं पीता है। तो उसको हम थोड़ा बहुत ऐसे ही चाय पिला रहे हैं ताकि कुछ देर शांत बैठ जाए, नहीं तो दूध के लिए परेशान ही कर लेगा। वैसे मैं घर से उसके लिए दूध लाई थी, लेकिन वो कब तक चलेगा, वो तो ख़त्म हो ही जाता है। और नमन ऊपर वाली सीट पर लगा हुआ है मस्त, मतलब उसको ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना नीचे वाली सीट पे उसको अच्छा नहीं लगता है। मॉर्निंग का टाइम है, तो बाबू भी थोड़ा लेट ही जगा था, तो हम सब लेट ही जगे थे, क्योंकि हम लोगों को 11 बजे उतरना है अलवर के स्टेशन पे। तो ये है अलवर वाला स्टेशन, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ट्रेन आई नहीं है। हम लोगों का रूट बहुत ख़राब है वहाँ से आने का, क्योंकि 2-3 घंटे हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है ट्रेन के लिए मथुरा जाने के लिए। तो हम सब वही वेट कर रहे हैं अभी, तो नमन भी बैठा है, और बाबू तो मेरी गोदी में सो भी गया, वो बस सो क्योंकि उसका टाइम हो गया था सोने का, तो वो खाना खाने के बाद फिर सो गया था, और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, बस ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं ट्रेन कब आएगी। और फिर ट्रेन भी आ गई, और हम लोग बैठ गए ट्रेन में, और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, क्योंकि खेतों में पानी भी भर रहा था, दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। सुकून और हम लोग आ गए अपने शहर, मतलब मथुरा आ गए, जन्मभूमि पे, और देखिए कितना अच्छा है हमारा मथुरा, चलता रहता है, आके अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने घर जब आते हैं, थोड़े लंबे टाइम बाद आए हैं घर, कम से कम 5 महीने हो गए, तो 5 महीने बाद आए हैं हम लोग घर, और अब की बार राखी पे आए हैं। पहले मतलब पहले तो बोल रहे थे कि जून में ले लेते हैं छुट्टी, लेकिन हम लोगों ने लिया नहीं, चलो अब की बार राखी बनाते हैं घर पे, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया। और कांवड़ वालों की भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा कांवड़ वाले मतलब लेके आ रहे थे, लेने जा रहे थे, तो बहुत भीड़ लग रही थी। जब तक सावन के सोमवार चलेंगे तब तक ये कांवड़ वाला भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई मतलब कभी लाता है, कोई पहले लिया लेके आ गए, कोई अभी लेने जा रहे हैं, कोई लास्ट वाले सोमवार को लेके आएंगे, मतलब ये है बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये भी एक मतलब रथ यात्रा जैसी निकल रही थी छोटी सी, तो नमन बोला था मम्मा इसका भी वीडियो बना लो, तो फिर मैंने उसका भी थोड़ा सा बना लिया, और ये बैग वगैरह सारे मैंने इधर रख दिए हैं। और नमन के पापा जी घेवर लेने गए हैं, तो हम लोग 2 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े थे, तो मैंने वीडियो बना लिया। तो हम सब आगे घर पे चेंज वगैरह कर लिया, और फिर बच्चों ने खाना पीना भी खा लिया, तो ये बच्चों के लिए मैंने दूध ठंडा कर दिया है, और ये घेवर लेके आए थे, तो ये वो वाला घेवर है रक्षाबंधन। और खाना पीना भी हो गया हमारा, और बस अब मैं बच्चों को दे देती हूँ दूध, और ये है घेवर। हम लोग आए थे तब घेवर लेके आए थे घर के लिए, तो बस घेवर से दूध पिया मैंने फिर, और बच्चों को भी दे दिया।
फिर उसके बाद आ गई मैं सोने के लिए रूम में, और इधर तीनों बच्चों का चल रहा है मस्ती। अभी बच्चे सो नहीं रहे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बच्चे मिलते हैं तो एकदम ऐसे ही शरारत करते हैं, बस अभी सोने का नाम नहीं है उनका। और बाबू भी नहीं सो रहा, बाबू भी क्योंकि ट्रेन में सो के आया ना तो उसको भी अभी नींद नहीं आ रहा है, वो भी इधर उधर बस रूम को देखने में लगा हुआ है। अभी इसका लाइट बंद कर रखा है तो एकदम अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा है। तो एक लाइट बंद कर रखा है और एक जल रहा है तो रूम में अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और नमन को तो ट्रेन में फीवर भी आ गया था तो उसको वहाँ पर ट्रेन में ही दिखाया, तो उसको ये वाली मेडिसिन दी थी जो डॉक्टर आया था देखने के लिए। तो अब फीवर तो उसका सही है, लेकिन आज और दे देती हूँ उसको दवाई क्योंकि फिर वापस ना आ जाए। और ये हो गया मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग में रूम की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ क्योंकि फ़ैन वगैरह ना थोड़े गंदे से लग रहे थे मुझे, तो उनको ही साफ़ कर लेती हूँ। और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूँगी, ये वाला बेडशीट ना बेड पर अच्छे से आता नहीं, एकदम छोटा छोटा सा है, तो इसको भी चेंज कर दूँगी। और फैन पे मतलब जाले दिख रहे थे तो मैंने वो फैन को भी साफ़ कर दिया क्योंकि राखी आ रहा है तो फिर रूम तो साफ़ होना ही चाहिए, राखी पे तो सारी चीज़ें वैसे भी साफ़ होती हैं। तो मैंने सोचा सारा रूम अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ, अब कर ही रही हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी पोछा वगैरह दे देती हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया चलो सारा कर ही देती हूँ क्योंकि कल मंडे है, फिर कल तो पूजा वगैरह करेंगे तो उसमें लेट हो जाता है क्योंकि जल्दी नहाना पड़ता है उसमें। और आज तो अपने पास टाइम भी है, मतलब कभी भी नहा लो कभी भी खा लो, और व्रत वाले दिन वही रहता है कि टाइम से सारी चीज़ें हो जाएं। और फैन पर जो थोड़ी बहुत डस्ट थी वो तो झाड़ू से ही निकल के आ गई, और जो दीवार वाली थी वो नहीं आ रही थी जाले वगैरह इस झाड़ू से, और लेकिन जो जाले वाला है ना वो भी टूट गया। तो मेरे पास अब मैं सोच रही किस से जाले लूँ, जो मतलब मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक तो मैंने जाले को ले लिया, और बाकी के देखती हूँ अब किस से लेती हूँ क्योंकि जाले भी लगे हुए थे रूम में। फिर उसके बाद मुझे एक ये लकड़ी दिखा लंबा सा, फिर इससे ही थोड़े बहुत ले लिए, और फिर और अच्छे से बाद में देखूँगी। जाले भी कहीं कहीं पर लग रहे थे तो वो मुझे दिख गए तो उनको भी ले लेती हूँ, सारा रूम मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी बेडशीट वगैरह है उसको बाद में धुलूँगी, आज तो बस साफ़ करूँगी और बेडशीट वगैरह धुलूँगी और किसी दिन, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं निकल रहा है, एकदम बारिश का मौसम हो रहा है और धूप भी नहीं निकल रहा है। और कपड़े वैसे भी ट्रेन वाले काफ़ी पड़े हैं जो हम लोग पहन के आए थे, उनको ही धुलना है पहले मुझे। सारी चीज़ें मैं जब मेरी शादी हुई थी तब लेके आई थी, तो मतलब इनको भी डस्ट हो जाता है तो इनको भी साफ़ कर देती हूँ। पहले ये मैंने खुद ही बनाया था तो अब तो बनाने का मन ही नहीं करता है ऐसी चीज़ों को मेरा, पता नहीं बहुत ज़्यादा आलस हो गया शरीर में, मन ही नहीं करता अब तो किसी भी चीज़ का बनाने का। तो इनको भी साफ़ कर देती हूँ जब सारा रूम साफ़ हुआ है, तो बस लगभग मेरा रूम साफ़ हो गया, बस मुझे झाड़ू और पोंछा लगाना है अब। मतलब जो भी मुझे पोंछना था और जाले वगैरह लेने थे सब मैंने ले लिया है, और बस झाड़ू पोंछा रह जाएगा तो उसको अब मैं लगा लूँगी। एकदम अच्छे से क्लीन हो गया, अब काफ़ी टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे। और बच्चे भी इधर हैं, वो भी बालकनी में लगे हुए हैं अपना, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया, बस पोंछा लगाना रह गया है तो अब मैं लगा लेती हूँ पोंछा। और इस वाले रूम में ना लाइट वैसे भी कम ही लगती है क्योंकि इसका पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है, तो मैंने घूंघट भी लगा रखा है क्योंकि बाहर से ना लोग दिखाई देते हैं फिर ऐसे अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने ऐसे हल्का सा कर रखा है, ज़्यादा तो नहीं किया है बस हल्का सा, क्योंकि वैसे ऊपर रूम है इतना तो कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब गेट के पास जाते हैं ना बगल में घर है ना उससे थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, तो मैं लगा लेती हूँ ऐसे हल्का सा घूंघट। तो अब मैं ससुराल वाली बहू हो गई हूँ यहाँ पर आके, मतलब वही साड़ी वगैरह पहनो और मतलब घूंघट लगाओ वही है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही घूंघट है, मतलब सभी लोगों को मैंने देखा लगाते हैं लेकिन मेरे मायके साइड में नहीं है इतना, मेरी भाभियाँ तो ऐसे ही घूमती हैं, वो इतना घूंघट लगाती भी नहीं है वो, मेरा तो रोड पर घर है वहाँ पर तो रोड पर ही खड़ी हो जाती हैं ऐसे ही, मतलब मेरे मायके में इतना घूंघट नहीं है जितना यहाँ पर है। फिर मैंने अपना सारा रूम मतलब
अच्छे से साफ़ कर दिया, बेडशीट वगैरह सारा हटा दिया है। फिर उसके बाद दूसरा बेडशीट बिछाऊंगी, वो तो मैं बाद में ही बिछाऊंगी। ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इसी ब्लॉग में। तो मैंने बस अभी झाड़ू पोंछा ही किया है, सुबह से बस झाड़ू पोंछा ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और अभी बस बाबू को दूध पिलाना है, फिर उसके बाद देखती हूँ खाना मतलब क्या बनेगा, क्या खाएंगे। तो उसके बाद अभी खाने का तो कोई नाम ही नहीं है। तो अभी बस मैंने झाड़ू पोंछा किया है और सारा मतलब साफ कर दिया है, बस इसको बेड शीट लगाना रह गया है, तो बाद में लगाऊंगी। और देखिए हालत कैसी हो गई है मेरी, इतना पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है ना। वैसे तो बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा उमस है इधर, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर भी। गुजरात में तो सही था लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, उमस जैसी गर्मी है यहाँ पर। वैसे बारिश तो शायद आज भी आएगी, कल भी आया था, पता नहीं अभी आएगी कि नहीं, बादल तो हो रहे हैं। और सारा मतलब इतना पसीना आया मुझे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैंने सारा ही साफ़ कर दिया, जाले वगैरह भी ले लिए। अब चलती हूँ नीचे क्योंकि कल वाले कपड़े भी धुलने हैं मुझे, कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, मैंने आपको दिखाया था कपड़े भी काफ़ी हो गए हैं, तो उनको भी धुलूँगी। और फिर और पर्दे वगैरह भी मुझे इस रूम के धुलने हैं, लेकिन और किसी दिन धुलूंगी क्योंकि ट्रेन वाले कपड़े काफ़ी हो गए हैं, पहले उनको धुलूंगी क्योंकि बारिश का मौसम